तो इस उथल पुथल की राजनीति के दौरान के घटनाक्रम को सबसे अच्छे से समझा जा सकता है तत्कालीन चुनावों पर का अध्ययन करने पर। उस समय जो चुनाव हुए लोकसभा के, जैसा मैंने बताया मध्यावधि चुनाव भी उसमें थे, एक एक नहीं दो दो, वो घटनाक्रम को कैसे दिशा दे रहे थे, कैसे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहे थे, या कैसे देश की राजनीति लोकसभा के चुनाव के परिणामों को प्रभावित कर रही थी। तो अब हम आते हैं इस दशक के उस पहले लोकसभा चुनाव को, 90 के दशक के, जो 1991 में होता है, और कमोबेश ये 10वीं लोकसभा थी, 10वां चुनाव था लोकसभा के लिए, जबकि इसका पहला चुनाव 1952 में हुआ था। ये चुनाव राजीव गांधी की हत्या के की पृष्ठभूमि में होते हैं, राजीव गांधी की हत्या की पृष्ठभूमि में। जैसा मैंने बताया, उनकी हत्या लिट्टे के सहयोगी कुछ तमिल जो श्रीलंका में थे उनके द्वारा की गई थी। तो हत्या होती है और चुनाव घोषित होते हैं। 21 मई को उनकी हत्या होती है। मध्यावधि चुनाव, जिसकी प्रक्रिया वैसे ही चल रही थी पहले से, उस चुनाव के दौरान होती है। 21 मई की हत्या के कारण 23 मई और 25 मई को जो दूसरा और तीसरे चरण का मतदान था उसे बढ़ा दिया जाता है, 12 जून और 15 जून। आप समझ रहे हो कि 21 और 25 मई का मतदान, तो उसकी तारीख आगे बढ़ा दी जाती है। इसी लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्यसभा के भी, कुछ राज्यों के चुनाव भी निर्धारित थे, जिसमें असम से लोकसभा की सीट और राज्य विधानसभा के चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई थी। राजीव गांधी के बाद, उनकी हत्या के बाद, नरसिम्हा राव को, पीवी नरसिम्हा राव, जो बहुत काल तक कांग्रेस सरकार में विभिन्न पदों पर मंत्री थे, सभी उच्च पदों को उन्होंने, उच्च पदों पर मंत्री पद की जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी, वे अभी कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए जाते हैं। उन्होंने दल के चुनाव की बागडोर भी संभाली और राष्ट्रीय मोर्चे के चुनाव की बागडोर विश्वनाथ प्रताप के हाथ में थी। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की बागडोर वाजपेयी, अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के हाथ में थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं तीन मुख्य दल, कांग्रेस नरसिम्हा राव के नेतृत्व में, राष्ट्रीय मोर्चा विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी उस तिकड़ी के दृश्य साथ, जिसमें वाजपेयी जी, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी शामिल थे। क्षेत्रीय दलों की जहां तक बात करें तो क्षेत्रीय दलों का चुनाव प्रचार क्षेत्रीय नेताओं द्वारा किया गया। इस चुनाव में, जैसा मैंने कहा, कुल मिलाकर तीन या बल्कि चार तरह के दल बने, चार तरह का गुट सामने आया। एक पहला था कांग्रेसी और उसके सहयोगी दल, जिसमें अन्ना द्रमुक, मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, तो कांग्रेस और उसके साथ उसके सहयोगी दल। दूसरा राष्ट्रीय मोर्चा विश्वनाथ प्रताप वाला। तीसरा भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना उसके साथ थी। चौथा था मार्क्सवादी लेनिन, मार्क्सवादी साम्यवादी दल, जो जिसे हम कह सकते हैं वामपंथी मोर्चा। और पांचवा था चंद्रशेखर देवीलाल के नेतृत्व वाली जनता दल। तो इस प्रकार हम पांच घटक पाते हैं, या कहना चाहिए कि चुनाव मूल रूप से इन पांचों के बीच था। ये अलग अलग तरीके के गठबंधन थे।
इस चुनाव में 524 स्थानों पर चुनाव होता है और दलों की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है। इन 524 चुनावों का परिणाम कुछ इस प्रकार है, जिसमें कांग्रेस को 225 सीटें मिलती हैं। कांग्रेस इस प्रकार सबसे बड़ी पार्टी इस रूप में उभरती है कि उसके पास लोकसभा में सबसे ज़्यादा सदस्य हैं। उसके बाद दूसरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक उद्भव, एक अचानक जो उसका लोकसभा में अच्छी संख्या में उसका प्रतिनिधित्व, जिसको 119 सीटें मिली। भारतीय जनता पार्टी 119, जनता दल 55, साम्यवादी दल 13 और दूसरा साम्यवादी दल 35 और जनता दल को 5। तो इस प्रकार ये 5 जो मुख्य समूह थे उनकी ये स्थिति रहती है। कांग्रेस जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी से लगभग 100 सीट ज़्यादा पाती है। बाकी अन्य दलों की स्थिति, जिसमें तेलुगु देशम, शिवसेना, फॉरवर्ड ब्लॉक, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, असम गण परिषद आदि हैं, जिनको सबको 1, 2, 2, 4 सीटें मिलती हैं। तो अब क्या होता है, इसके बाद आवश्यक हो जाता है कि नियमानुसार लोकसभा में जिसे बहुमत है उसे ही सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करते हैं। यहाँ लोकसभा के अंदर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस तो थी, पर उसके पास बहुमत नहीं था। बहुमत के लिए कितनी सीट चाहिए, 524 का आधा प्लस 1, अर्थात इसके मायने हुए कि बहुमत के लिए 265 सीटों के बदले कांग्रेस को 225 ही मिली। ऐसी स्थिति में कांग्रेस क्या करती है, अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाती है। मैंने पूर्व में जिन सहयोगी दलों का जिक्र किया उनको कुछ सीटें मिली और कुछ और सहयोगी दलों को शामिल करके कांग्रेस वापस सत्ता में आती है, बहुमत अल्पमत में रहते हुए भी बहुमत साबित करके सरकार बनाती है, जिसका मैंने पहले आपको जिक्र किया है। भारतीय मतदाताओं ने किसी भी दल को इस चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, और ऐसी पार्लियामेंट जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो उसे कहते हैं त्रिशंकु संसद। क्या कहते हैं, त्रिशंकु संसद या हंग पार्लियामेंट, जिसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है, किसी को बहुमत नहीं मिल रहा। हंग पार्लियामेंट में यही गठबंधन की राजनीति काम आती है और केंद्र में कांग्रेस ई की अल्पमति सरकार पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में सहयोगी दलों की मदद से, उनके सपोर्ट से 5 साल सरकार चलाती है। ये थी 10वीं लोकसभा की कहानी, पर कांग्रेस की स्थिति बड़ी शोचनीय हो जाती है। शोचनीय इसलिए कि ये चुनाव राजीव गांधी की हत्या के बाद हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जैसी भावनात्मक लहर आई थी और उसका फायदा कांग्रेस को मिला, राजीव गांधी की हत्या के बाद ऐसी कोई विशेष लहर नहीं दिखाई दी, और यदि थी तो उस लहर का प्रभाव सीमित था, इतना कि मात्र उसे 225 सीट ही लोकसभा में मिल सकी। लेकिन कांग्रेस सरकार बनाती है और पीवी नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्रित्व काल रहता है, जो उस समय कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष थे। अब हम आते हैं 11वीं लोकसभा अर्थात सन 1996। 1996 में 3 दलीय संगठन या गठबंधन सामने आते हैं। 10वीं में हमने 5 दलों को देखा था, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल, साम्यवादी और एक और। यहाँ पर हम 3 दलों को मुख्य रूप से, या 3 गठबंधनों को हम मुख्य रूप से देखते हैं। पहला, कांग्रेसी ने राष्ट्रीय स्तर पर वैसे तो किसी के साथ चुनावी गठबंधन नहीं किया। तमिलनाडु में
अन्ना द्रमुक के साथ, केरल में लीग के साथ, केरल कांग्रेस के साथ, और ऐसा करके उसने क्षेत्रीय दलों के साथ एक तरीके का समझौता हुआ। दूसरा गठबंधन कैसा था? भारतीय जनता पार्टी। उसने भी किसी राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का गठबंधन नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने उसने भी राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का चुनावी गठबंधन नहीं किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ वो भी क्षेत्रीय स्तर पर उसने गठबंधन किया। अब ये गठबंधन के मायने क्या होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर गठबंधन के मायने, थोड़ा इसको भी हम समझ लें। इसका अर्थ ये होता है, यदि कांग्रेस ने, कल्पना करिए, केरल कांग्रेस के साथ समझौता किया क्षेत्रीय स्तर पर, अर्थात केरल में, तो केरल में लोकसभा की 524 या 540 सीटों में यदि 20 सीटें केरल में हैं लोकसभा की, तो इस गठबंधन की राजनीति के तहत, और यदि क्षेत्रीय गठबंधन है, तो कांग्रेस ई और केरल कांग्रेस के बीच में ये तय होगा कि इन 20 लोकसभा की सीटों में कांग्रेस ई के कितने उम्मीदवार खड़े होंगे, कितनी सीटों पे, और कितनी सीटों पे केरल कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े होंगे। अर्थात गठबंधन में ये सुनिश्चित किया जाता है कि गठबंधन में जुड़े हुए दल आमने सामने एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी नहीं बनते, एक दूसरे, बल्कि एक दूसरे की जीत के लिए प्रयास करते हैं। तो ये गठबंधन, क्षेत्रीय गठबंधन हुआ, जिसमें कांग्रेस ई ने तय किया कि केरल में लोक दल को, केरल कांग्रेस को इतनी सीटें दे दी जाएं, मुस्लिम लीग को इतनी सीटें दे दी जाएं, आदि आदि। यही बात भारतीय जनता पार्टी ने भी की। भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी गठबंधन किया, उसमें मूल रूप से हम देखते हैं हरियाणा में हरियाणा विकास पार्टी के साथ, पंजाब में अकाली दल बादल के साथ, बिहार में समता पार्टी के साथ, और महाराष्ट्र में शिवसेना, इनके साथ उसका क्षेत्रीय गठबंधन था। अर्थात मैं पुनः दोहरा दूं, यदि मैं महाराष्ट्र का उदाहरण लेता हूं, और महाराष्ट्र में यदि लोकसभा की 30 सीटें हैं, तो दोनों के बीच में एक समझौता होगा कि शिवसेना को इतनी सीटों दी जाती हैं और बची हुई सीट भारतीय जनता पार्टी रखेगी। मानिए शिवसेना को 15 सीट दी जाती या 12 सीट दी जाती हैं, तो बची हुई 30 में से 12 घटाने पर बची हुई 18 सीटें भाजपा को मिलेंगी। भाजपा अपने उम्मीदवार वहां खड़ा करेगा और शिवसेना अपने उम्मीदवार उन जगहों में खड़ा नहीं करेगा। ऐसे ही शिवसेना के 12 उम्मीदवार जिन 12 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पे भाजपा अपने उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा। बात स्पष्ट हो गई। तो इस प्रकार ये एक गठबंधन भाजपा का, और तीसरा गठबंधन था मार्क्सवादी साम्यवादी दल के नेतृत्व में। साम्यवादी दल, RSP, फॉरवर्ड ब्लॉक, यानी वो उस विचारधारा वाले लोग जिन्हें वामपंथी विचारधारा का कह सकते हैं, वो लोग मैदान में आए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में बसपा एक चुनावी गठबंधन करता है, जिसमें असम में एक असम गण परिषद और वामपंथी दलों के मध्य चुनावी गठबंधन होता है, आदि आदि। साथ ही साथ गठबंधनों की स्थिति कुछ ऐसी थी कि बसपा के मध्य चुनावी गठबंधन जो हुआ, वैसे ही तमिलनाडु में द्रमुक और तमिल मनीला कांग्रेस, अकाली दल बादल और बसपा, इन सब के बीच में अलग अलग तरीके से गठबंधन चला। सबसे अहम बात जो इस चुनाव की है, वह इसके परिणाम तो हैं ही, इसके परिणाम निश्चित रूप से, चुनावी परिणाम निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं, पर उससे उतनी ही महत्वपूर्ण बात वो है कि इस बार के चुनाव के चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वे थे टी एन शेषन, जिन्होंने चुनाव आयोग की भूमिका को ही पूरा नया रूप दिया। चुनाव आयोग के जो अधिकार थे, उसका पूरा उपयोग करते हुए उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में होने वाली विभिन्न तरह की धांधलियों पर जो लगाम लगाई,
उसके लिए देश सदैव ऋणी रहेगा। टी एन शेषन के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने अपनी भूमिका को बहुत बखूबी निभाया। चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए जो आचार संहिता उन्होंने जारी की, कोड ऑफ कंडक्ट जिसे कहते हैं, उसका बड़ी कड़ाई से पालन करवाया। आचार संहिता के पालन परिपालन को लेकर टी एन शेषन के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने जो रास्ता अख्तियार किया, उसकी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। जिस कड़ाई से उन्होंने सुनिश्चित किया कि सभी उम्मीदवार और सभी दल इस आचार संहिता का शब्दशः पालन करें, उसका परिणाम आने वाले चुनाव में स्पष्ट दिख रहा था। प्रधानमंत्री इस चुनाव के बाद कौन बनेंगे, ये लोकसभा के बहुमत के आधार पर तय होता है। उसी प्रकार इस बार के चुनाव में कांग्रेस ई की तरफ से प्रधानमंत्रित्व या प्रधानमंत्री पद के लिए जहां नरसिम्हा राव थे या उनके नेतृत्व में जहां कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, इस उम्मीद से कि जीतने पर नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा पुनः, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने यह चुनाव श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में लड़ा और उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया। परिणाम क्या हुए, जैसा मैंने बताया, तीन तरह के मुख्य गठबंधन थे। कुल सीटों की संख्या जिस पर चुनाव हुआ 543 सीटें। 543 सीटों में सभी सीटों के परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा को 162 सीट मिलती है। इसके पहले 10वें चुनाव में उसे 110 सीट मिली थी। अब उसकी सीटों की संख्या में 52 सीटों का इजाफा होता है। उसके बाद उसके जो सहयोगी दल हैं, शिवसेना, समता पार्टी, हरियाणा, इन सब को मिलाने पर इस गठबंधन की सीटों की कुल संख्या होती है 188, जबकि बहुमत के लिए कितना चाहिए था, 545 डिवाइडेड बाय 2+1। दूसरी ओर राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चे का गठबंधन था, उसको कुल मिलती हैं 115 सीटें, जिसमें जनता दल, माकपा, समाजवादी पार्टी आदि शामिल थे। इसे मिलती हैं 115 गठबंधन को। कांग्रेस का क्या हाल होता है, कांग्रेस को स्वयं को 141 सीट मिलती है, भाजपा को स्वयं को 162 सीट मिलती है। तो पहली बार कांग्रेस लार्जेस्ट सीटों की संख्या वाली पार्टी बनने से वंचित हो जाती है 11वीं लोकसभा में, और भाजपा पहली बार सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लोकसभा में उभरती है। कांग्रेस को 141 बनाम बीजेपी को 162। और कांग्रेस के सहयोगी दलों को यदि लें तो उन्हें कुछ भी सीटें नहीं मिली और इस प्रकार कांग्रेस 141 पर सिमट गई। अब डीएमके और जो अन्य गठबंधन पार्टियां थीं, जिसमें बसपा, असम गण परिषद, अकाली दल, तेलुगु देशम आदि शामिल थे और निर्दलीय भी थे, तो इनकी संख्या एक अच्छी संख्या थी, काफ़ी पर्याप्त थी। परिणाम क्या होता है, कुल इनको मिलती हैं इस गठबंधन को 56 सीटें और निर्दलीय होते हैं 9, तो 65 लोगों का एक अलग गुट होता है। तो हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 1991 के चुनाव की तुलना में फायदा हुआ, लोकसभा में पहली बार सबसे बड़ा दल, और उसके बड़े दल होने के साथ उसने अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई, अर्थात जोड़ तोड़ गठबंधन करके किसी तरह उसने वह संख्या पाई जिसे हम बहुमत कह सकते हैं। वामपंथ दलों की स्थिति वैसी रही, क्षेत्रीय दलों में द्रमुक और ये सब जो अन्ना, ये असम गण परिषद, अकाली दल आदि थे, उनकी स्थिति में भी कुछ सुधार हुआ। इन तीन गठबंधनों के बीच जो चुनाव होता है
उसमें भारतीय जनता पार्टी को 1991 की तुलना में फायदा हुआ और ये सब गठबंधन थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि गठबंधन की राजनीति दिनों दिन मजबूत होती जा रही थी। जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था उसको तो सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं और उसमें लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभरी, यानी अब कांग्रेस पीछे हो गई। देखिए कैसे 1950 से इतिहास चलते चलते हम 1967 में आते हैं, जब राजनीतिक भूचाल के रूप में कांग्रेस की पराजय को देखा जाता है और अब इसको लगभग कमोबेश ऐसी स्थिति बारंबार आती रही जब कांग्रेस अपना वर्चस्व नहीं बना पाई। इस चुनाव के में भारतीय जनता पार्टी ने एक मिलीजुली सरकार बनाई, वामपंथी दलों की जो स्थिति थी वो जैसी तैसी बनी रही, जस की तस। क्षेत्रीय दलों में, रीजनल पार्टीज में द्रमुक, तमिल मनीला कांग्रेस, असम गण संग्राम परिषद, अकाली दल और समाजवादी पार्टी, इन्होंने अपनी स्थिति मजबूत की। यानी दक्षिण भारत में भी क्षेत्रीय दलों का अब हम प्रादुर्भाव देखते हैं, बढ़ता प्रभाव देखते हैं, वहीं पंजाब, असम और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी इनकी क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति बेहतर होते हुए दिखती है। और जब क्षेत्रीय पार्टियों की स्थिति बेहतर हो रही है तो निश्चित रूप से ये सब किसकी कीमत पर? उन राष्ट्रीय पार्टियों की कीमत पर जो अभी तक भारत की राजनीति में छाई हुई थी। साथ ही इस पार्टी को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान और कर्नाटक में इसका प्रभाव बढ़ता है, इसको सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं। तो मूलतः आप पाएंगे कि ये उत्तर भारत के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ गहरी करती है। रही कांग्रेस ई की बात, तो कांग्रेस ई को केवल आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और छोटा मणिपुर राज्य, तुलनात्मक दृष्टि से छोटे राज्य थे, खासकर हिमाचल प्रदेश और मणिपुर, मात्र यहीं पर इसे सफलता मिलती है। अन्य जो राज्यों में उसकी शक्ति में काफ़ी ह्रास होता है, काफ़ी गिरावट आती है। तो इस प्रकार कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर होने की दिशा की ओर अग्रसर। रही जनता दल की बात, ये केवल कर्नाटक में अपनी स्थिति सुधार पाई और बिहार में पहले की अपेक्षा कम स्थान प्राप्त होने पर उसके बावजूद भी स्थिति एक तरीके से सम्मानजनक थी। तो ये जनता दल का खेमा था, बिहार और कर्नाटक, कर्नाटक में उसको उसकी स्थिति बेहतर होती हो। रही साम्यवादी विचारधारा वाले दलों की बात, तो मार्क्सवादी साम्यवादी दल और उसके सहयोगियों ने पश्चिमी बंगाल, केरल और त्रिपुरा, यहाँ पर अपना दबदबा कायम रखा। भारतीय साम्यवादी दल की जो जीत है वो 12 जगहों पे हुई, जैसा कि आपने उस चार्ट में देखा। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार बहुदलीय प्रणाली, किस प्रकार बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था देश में पनप ही नहीं रहे है, बल्कि उसमें वार्धक्य हो रहा है, उसमें विस्तार हो रहा है। संयुक्त मोर्चा, जिसे हम अंग्रेजी में यूनाइटेड फ्रंट कहते हैं। रही यूनाइटेड फ्रंट की बात, तो 1990 के दशक में जो मुद्दे सामने आए थे उन मुद्दों में पिछड़े वर्ग की बात थी, निम्न वर्ग की बात थी और हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ज़्यादा प्रभावित था। पिछड़े वर्ग और निम्न वर्ग की बात को मंडल कमीशन के जरिए साधने का प्रयास था, वहीं हिंदुत्व के मुद्दे को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के माध्यम से हवा मिली थी। तो ये तीन मुद्दे 1990 के दशक के चुनाव और राजनीतिक व्यवस्था के मुख्य मुद्दे बने। इनके अलावा ये जो राजनीतिक पार्टियां नहीं, इन्होंने कुछ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी प्रभावित किया, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी
एक तरीके से हवा दी और उसके महत्व को देने की नीति अपनाई। इन राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा क्षेत्रीय मुद्दों को भी लेके साथ चलने के लिए ये राजनीतिक पार्टियां अब विवश होती हैं। अभी तक के चुनाव में हम देखते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो हैं, खासकर राष्ट्रीय स्तर की, ये केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करती थी। यहाँ अब हम देखते हैं कि उनकी स्थिति ऐसी हो चली कि अब उन्हें क्षेत्रीय मतों को लेने के लिए, क्षेत्रीय स्तर पर सीटों पर विजय पाने के लिए क्षेत्रीय मुद्दों का भी सहारा लेना पड़ा। 1996 के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और वाजपेयी जी की गठबंधन सरकार बनती है। दुर्भाग्य से सरकार मात्र 13 दिन कार्य की। 13 दिन के पीछे मकसद ये है कि कहने का अर्थ ये है कि सरकार बनती है और बनने के बाद दल बदल के तहत उसकी सरकार लोकसभा में विश्वास मत नहीं पा पाती और अविश्वास मत के पारित होने के पूर्व ही प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देते हैं। तो ये जो गठबंधन सरकार थी, ये मात्र 13 दिनों बाद गिर गई। अब ये सरकार गिरती है तो जनता दल फिर सामने आता है और कई क्षेत्रीय दलों से मिलकर एक संयुक्त मोर्चे की सरकार बनाता है। तो इस प्रकार संयुक्त मोर्चे की सरकार के गठन की पृष्ठभूमि में ये छोटी सी कहानी है कि राष्ट्रीय मुद्दे बनाम क्षेत्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय दलों द्वारा क्षेत्रीय मुद्दों को भी अहमियत देना। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है और सरकार बनाती है, लेकिन किसी कारणवश विश्वास मत लोकसभा में अर्जित नहीं कर पाती, बहुमत साबित नहीं कर पाती। ऐसी स्थिति में सरकार के सामने, या कहना चाहिए राष्ट्रपति के सामने, दो ही रास्ते होते हैं। एक तो या तो लोकसभा भंग करें और नए चुनाव की घोषणा करें। मात्र 13 दिन की चली सरकार के बाद लोकसभा भंग करना उचित इसलिए नहीं लगा क्योंकि ये बहुत बड़ी राजनीतिक प्रक्रिया है। चुनाव की प्रक्रिया एक बहुत बड़ी राजनीतिक प्रक्रिया है। खर्च के मामले में, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से, देश के विकास की दृष्टि से, आदि आदि। और दूसरा रास्ता जो राष्ट्रपति के सामने था, वह था इसी लोकसभा के अंदर ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे कि कोई नई सरकार बने। और जनता दल इसमें सामने आती है और क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनाती है, HD देवेगौड़ा के नेतृत्व में, जो कर्नाटक के एक कद्दावर नेता थे। जून 1996 को ये प्रधानमंत्री बनते हैं, HD देवेगौड़ा। और इसके साथ ही जनता दल द्वारा जिसका बहुमत है, यह संयुक्त मोर्चा की सरकार बनती है। इस बात को आप याद रखेंगे। वास्तव में भाजपा को बाहर रखने की मंशा एक्चुअली थी इन दूसरे दलों के पास। भाजपा को शासन से दूर रखने की मंशा के कारण ही कांग्रेस और वामपंथी साथ में आते हैं और वे लोग संयुक्त मोर्चा का समर्थन करते हैं। उनका ये पैंतरा बदलना ही भाजपा को भारी पड़ता है और अंततः भाजपा को 13 दिन में ही अपनी सरकार का इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस प्रकार कांग्रेस और वामपंथ के समर्थन से संयुक्त मोर्चा सत्ता में आई। इसके मायने क्या हुए? इसके मायने ये हुए कि ये एक जुगाड़ वाली सरकार थी, यदि मैं ऐसा कहूँ तो। जुगाड़ से कहने का अर्थ ये है कि कहाँ कांग्रेस ई की विचारधारा, वामपंथी विचारधारा और तीसरी ओर जनता दल की समाजवादी विचारधारा। ये तीनों विचारधाराएं बिल्कुल अलग थी। मतलब ये जो समर्थन था, ये विचारधाराओं के आधार पर नहीं था। निश्चित रूप से इसकी स्थापना के, संयुक्त मोर्चा की सरकार के स्थापना के दिन से ही लगभग ये तय हो चुका था कि ये सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, क्योंकि विचारधाराओं की टकराहट तो होनी ही थी। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केसरी, उन्होंने एक दिन अचानक कुछ मुद्दों को लेकर कांग्रेस का समर्थन देवेगौड़ा की सरकार से वापस ले लिया। परिणाम क्या होता है? 1997 को
अब इंद्र कुमार गुजराल सरकार बनाते हैं, इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में सरकार बनती है। कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस बात को देखें कि लोकसभा वही है, लोकसभा के सदस्य वही हैं, चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन सरकारें बदल सकती हैं। जब तक राष्ट्रपति को यह महसूस होता है कि इसी लोकसभा से नई सरकार बन सकती है, तब तक नए चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, तब तक लोकसभा को भंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसी विवेक का उपयोग करते हुए राज्यसभा राष्ट्रपति इसी लोकसभा को मौका दे रहे थे सरकार बनाने का, और अब यहाँ पर इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में सरकार बनती है। और इंद्र कुमार गुजराल देश के जो पूर्व में पूर्व में जो विदेश मंत्री थे, वे अब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। दुर्भाग्य से ये सरकार भी ज़्यादा नहीं चली, क्योंकि ये तो एक खिचड़ी सरकार थी, जुगाड़ की सरकार थी, विचारों का कोई सामंजस्य नहीं था, कोई तालमेल नहीं था, कोई योजनाएं नहीं थी। राजीव गांधी की हत्या को लेकर उसकी जांच के लिए जो आयोग बना था, जैन आयोग, उस जैन आयोग ने अपनी जो अंतरिम रिपोर्ट दी, उसमें डीएमके के संबंध का लिट्टे के साथ जिक्र किया। लिट्टे, मैंने आपको बताया था, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर, ये श्रीलंका की एक आतंकवादी संस्था थी, आतंकवादी संगठन था, बहुत ही कट्टर आतंकवादी। इसके साथ डीएमके संबंधों का जिक्र जैन आयोग की रिपोर्ट ने किया था। इस रिपोर्ट के आधार पे कांग्रेस ने गुजराल की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अर्थात कांग्रेस येन केन प्रकारेण इसी प्रयास में थी कि किसी तरह से अंततः उसकी सरकार बने, उसके नेतृत्व में सरकार बने। और इसलिए कभी एक को समर्थन देना, फिर उससे लेना कुछ बहाने करके, फिर दूसरे दल को समर्थन देना, संगठन को या दूसरे गठबंधन को, फिर उससे अपना पैर खींच लेना, ये चलता रहा। और जिस जिस को समर्थन दिया, उसकी सरकारें मात्र बहुत कमोबेश बहुत कम दिनों के लिए चली। तो अब यहाँ इंद्र कुमार गुजराल की सरकार भी गिर जाती है। जब ये स्थिति बारंबार होती है, तो अब और ये स्पष्ट हो जाता है कि इस लोकसभा से स्थायी सरकार नहीं मिल सकती। जब ये स्पष्ट हो जाता है कि यह लोकसभा